दोस्तों सबका स्वागत है मेरे YouTube वीडियो में। तो लो दोस्तों, मैं आ गया हूँ हिंदू मैथोलॉजी के साथ। दोस्तों मुझे आपके कई समय से मैसेज आए जा रहे थे कि हिंदू मैथोलॉजी के ऊपर भी कुछ वीडियोस हो जाए। तो लो दोस्तों, मैं सप्तऋषि के ऊपर ही वीडियोस लेके आ रहा हूँ। तो ये जो हमारी वीडियो होने वाली है, इसके अंदर हम जानेंगे कि सप्तऋषि कौन थे, उनके पास क्या शक्तियाँ थी और वो कहाँ से आए थे। मतलब ये जो वीडियो रहेगी, ये सिर्फ एक ओवरव्यू रहेगा सप्तऋषि के ऊपर। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो एक हर एक ऋषि के ऊपर, जैसे हमारे 7 ऋषि है, तो 7 अलग अलग वीडियोस उनको डेडिकेटेड रहेंगे। तो ये वीडियो को मतलब गिन के टोटल 8 हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप सबको ये मेरा आइडिया कैसा लगा है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सप्तऋषि, जिसका अर्थ है 7 ऋषि, वे 7 ऋषि हैं जिनकी हिंदू पौराणिक कथाओं में प्रशंसा की गई है। उनकी योग शक्तियाँ और तपस्या की शक्तियों के कारण उन्हें अर्ध अमर स्थित प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। उनका जीवन काल बहुत लंबा होता है। सप्तऋषि के पिता कौन है? सप्तऋषि या सनातन धर्म के 7 ऋषि ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा के मन में पैदा हुए पुत्र है। इस महान सप्तऋषि के जीवन काल को मनवंतर 30,67,20,000 पृथ्वी वर्ष के रूप में जाना जाता है, जो उनके पिता ब्रह्मा के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करते हैं। सप्तऋषि के गुरु कौन है? ऐसा कहा जाता है कि आदि योगी भगवान शिव ने सप्तऋषियों को योग सिखाया ताकि वे ज्ञान और परंपरा को मानव तक पहुंचा सके। ये 7 ऋषि ब्राह्मणों के गोत्र के पूर्वज माने जाते थे। प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान के अनुसार उर्स मेजर के नक्षत्र के भाग को सप्तऋषि कहते हैं। तो उनके नाम इस तरह है: वशिष्ठा, मरीचि, पुलस्थ्या, पुलहा, अत्रि, अंगिरस, क्रतु। इसके भीतर एक और तारा है जो थोड़ा दिखाई देता है, जिसे अरुंधति के नाम से जाना जाता है। प्राचीन वैदिक खगोल विज्ञान के अनुसार अरुंधति और वशिष्ठ विवाहित है और एक साथ मिजोर डबल शामिल है। अगर हमें बताऊँ तो जो अगले मनवंतर में जो आगे के 7 ऋषि होंगे वो ये होंगे: दीप्तिमठ, गलावा, परशुराम, कृपा, द्रोणी, अश्वत्थामा, व्यासा, ऋषिशृंग। चलिए जानते हैं सप्तऋषि की कहानी। जब ब्रह्मा नष्ट हो जाता है तो सप्तऋषि भगवान में विलीन हो जाते हैं। फिर नवनियुक्त सप्तऋषि को पृथ्वी को पूरा करने का कर्तव्य सौंपा जाता है। वो ऋषि जो मैंने ऊपर बताया, मतलब ये अश्वत्थामा से भी पहले बताया ना, वो सभी 7 सप्तऋषि ब्रह्म ऋषि नहीं है। और ब्रह्म का अर्थ, लेकिन जो ब्रह्म का अर्थ है वो पूरी तरह से समझ चुके हैं। ये समझना होगा कि केवल योग्यता के माध्यम से कोई ब्रह्म ऋषि के स्तर तक नहीं बढ़ सकता है। सप्तऋषि का दिव्य आदेश भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया है। केवल विश्वामित्रा ही अपनी योग्यता से ब्रह्म ऋषि के स्तर तक पहुंचे हैं। उन्होंने हजारों वर्ष तक ध्यान और तपस्या की और स्वयं ब्रह्मा द्वारा उन्हें ब्रह्म ऋषि के पद से सम्मानित किया गया है। सप्तऋषि इतने शक्तिशाली है कि वह पृथ्वी पर हर हथियार को हराने में सक्षम है। वह भविष्य देख सकते हैं और जीवन और मृत्यु के चक्र द्वारा शासित नहीं होते हैं। सप्तऋषि हिंदू देवताओं की तुलना में ऊंचे हैं। उनकी तीसरी आंख पूरी तरह से खुली है और वे अपने अंतर्ज्ञान का अपनी पूरी क्षमता से उपयोग कर सकते हैं। उनका ध्यान पूरे ब्रह्मांड पर है और फिर भी वे क्रिया और विचारों में सटीक विवरण बनाए रख सकते हैं। सप्तऋषियों ने संक्रमण की प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए ज्ञान प्राप्त किया है। वे देवीय नियमों के संरक्षक है। वर्तमान मनवंतर के सप्तऋषि, अभी दोस्तों मैं जो आपको बताने वाला वो है हमारे 7 ऋषि। इसके अंदर दोस्तों आपको कई बार जो है अलग अलग, जो बाकी ऋषि तो एकदम फिक्स है, पर कुछ ऋषि के, एक या दो ऋषि के नाम है ना, अलग अलग देखने को मिलेंगे। जैसे चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए जानते हैं सप्तऋषियों के नाम: कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्रा, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज। तो दोस्तों ये हमारे 7 ऋषि है। इसके अंदर आपको अलग अलग जगहों पे कुछ अलग देखने को मिलेगा। जैसे क्या कि हमारे जो ऋषि होंगे उनके नाम अलग होंगे। कहीं पे कोई और ऋषि को कंसिडर किया होगा तो कहीं पे कोई और को। तो मैंने एक जगह देखा था तो हमारे सप्तऋषि में जमदग्नि की जगह पे अंगिरस ऋषि थे। तो दोस्तों उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे जो मेन 7 है वो यही मेन 7 है और हम उसी के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। तो हमारी जो सबसे पहली वीडियो आएगी वो रहेगी ऋषि भरद्वाज के ऊपर।
दोस्तों आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर और ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए तब तक के लिए बाय, आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।